औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इस टॉपिक में क्या एक्सप्लेनेशन है। इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट वर कंसीडर अलाइक इन ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग देयर मैसेज। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर दैट, डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की थी जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इंक्लूडिंग देयर मैसेज। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में ये कहा गया था कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, कोई भी आपके पास एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन तमाम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, उनके एटॉमिक मैसेज सेम होंगे। बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन पोसेस डिफरेंट मैसेज बट सेम एटॉमिक नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, लेटर ऑन ये बात सामने आई कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही डेफिनेशन है आइसोटोप्स की कि इट इज़ डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन पोसेस डिफरेंट मैसेज बट सेम एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट्स, सो आइसोटोप्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। डियर स्टूडेंट, ये वही बात कही गई है कि जो आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शो करते हैं एटॉमिक नंबर को, बट डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मैसेज को शो कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो आइसोटोप्स के अंदर सेम नहीं होते, जिसकी वजह से मैसेज जो हैं एटॉमिक मैसेज वो डिफर करते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट पोसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। डियर स्टूडेंट, जो आइसोटोप्स एलिमेंट्स के होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और पोजिशन होती हैं। दिस फिनोमना ऑफ आइसोटोपी वॉज डिस्कवर्ड बाई सोडे। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियाई। डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, ये एटॉमिक नंबर को शो कर रहे होते हैं बट जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड होकर एटॉमिक मैसेज को शो कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में वो चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक मैसेज भी चेंज हो रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, देखते हैं एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, इन्होंने कार्बन की एग्जाम्पल दी है। देखें, कार्बन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 ही है। देखें, इन तीनों में एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 ही है बट एटॉमिक मैसेज चेंज हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, इसे हमने ऐसे ही शो किया, एक्सप्रेस्ड एज कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ईच ऑफ दीज हैव 6 प्रोटोन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही प्रोटोन हैं जो कि हमें एटॉमिक नंबर को शो कर रहे होते हैं, बट आइसोटोप्स हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। डियर स्टूडेंट, बट इनके पास न्यूट्रॉन जो हैं, कार्बन 12 जो है हमारे पास उसमें 6 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमें पता है 6 हैं तो 12, बट सेकंड के अंदर 7 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन तो 13 हो गया, इसी तरह 8 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन तो 14 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये था डियर स्टूडेंट कार्बन के।
इसी तरह सिमिलरली हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट कहते हैं हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3 का प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। डियर स्टूडेंट ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। प्रोटियम 1-1 प्रोटियम, 1-2 ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम 1-3। डियर स्टूडेंट ये थे ऑक्सीजन हैज 3, निकल हैज 5, कैल्शियम हैज 6, पैलेडियम हैज 6, कैडमियम हैज 9 एंड टिन हैज 11 आइसोटॉप्स। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आइसोटॉप्स का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके अकॉर्डिंग तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।